गाइज, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, आप किसी भी दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपसे क्या सवाल कर सकता है और आप उसका कैसे जवाब दे सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल दे करके बताऊंगा कि अगर आपको कुछ लेना है तो आप दुकानदार से किस तरह से बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपसे ये पूछ सकता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो पूछेगा अरबी में एस इबगा अंता, एस इबगा अंता, एस मतलब क्या, इबगा मतलब चाहिए, अंता मतलब तुम, एस इबगा अंता तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। तो आप जवाब इसके जवाब में कहोगे आना इबगा शिप शिप। अगर आपको चप्पल लेना है तो आप कहोगे आना, आना का मतलब मैं होता है, मुझे होता है, इबगा इबगा का मतलब चाहिए, शिप शिप का मतलब चप्पल। आना इबगा शिप शिप, आना इबगा शिप शिप, मुझे चप्पल चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए। फिर आप दुकानदार से ये पूछो कि इसका रेट कितना है, ये कितने पैसे का है, कितने रुपये का है। तो आप सवाल करना हाजा कम रियाल, हाजा, हाजा मतलब ये होता है कम, मतलब कितना, रियाल मतलब पैसा, फुलूस, रियाल की जगह आप फुलूस भी लगा सकते हैं। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हाजा कम रियाल, ये कितने का है, हाजा कम रियाल, ये कितने का है। तो दुकानदार आपसे कहेगा, तो दुकानदार आपसे कहेगा हाजा खमसा रियाल, हाजा मतलब ये, खमसा मतलब पाँच, रियाल मतलब पैसा, फुलूस, हाजा खमसा रियाल, ये पाँच रियाल का है, ये पाँच रियाल का है, यानी कि पाँच रुपये का है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ दुकानदार से बात कर सकते हो। या अगर आप सब्ज़ी की दुकान में जाते हो या कपड़े की दुकान में जाते हो तो बस आपको इसी तरीके से बात करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने शिप शिप लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने शिप शिप लगाया हुआ है। तो आपको अगर कुछ और चाहिए, जैसे कि आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो आपको पैंट चाहिए, तो यहाँ पे आप आना इबगा शिप शिप, शिप शिप हटा करके यहाँ पे आप बंतलून लगा दोगे, बंतलून, बंतलून पैंट को बोलते हैं, आना इबगा बंतलून, मुझे पैंट चाहिए। तो बस इस चीज़ को यहाँ से हटा दोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर लोगे, जो भी चीज़ आपको लेना है सब्ज़ी की दुकान में, वो सब्ज़ी लेना है तो वहाँ पे ये चीज़ ऐड कर लोगे। और इस तरीके से आप सवाल जवाब दुकानदार से। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप मान लो कपड़े की दुकान में जाते हो, आपको पैंट लेना है, तो आप उससे पूछोगे बंतलून फ़ी, बंतलून मतलब पैंट, फ़ी मतलब है, बंतलून फ़ी पैंट है, तो वो कहेगा आईवा, वो कहेगा आईवा फ़ी, मतलब आईवा मतलब हाँ, फ़ी मतलब है, आई वाह फी। तो आप कुछ उससे सवाल कर सकते हो ये आना इबगा बंतलून, आना इबगा बंतलून, मुझे पैंट चाहिए, आना इबगा बंतलून, मुझे पैंट चाहिए। उसके बाद फिर आप सवाल करो उससे कि हाजा कम रियाल, हाजा कम फलूस भी कह सकते हो, हाजा कम रियाल भी कह सकते हो, ये कितने का है, हाजा कम कम रियाल, ये कितने का है। उसके बाद वो कहेगा आपसे हाजा खमसा रियाल, ये पाँच रुपये का है, हाजा खमसा रियाल, ये पाँच रुपये का है। तो इस तरीके से आप मान लो सब्ज़ी लो के, अगर आप सब्ज़ी की दुकान में जाते हो तो बस यहाँ पे ये बंतलून की जगह, ये बंतलून है, यहाँ इसको हटा करके आप वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपको मिर्ची लेना है, किसी वकाला में जाते हो, सब्ज़ी की दुकान में जाते हो, मिर्ची लेना, तो आप पूछोगे उनसे, आप कहोगे उनसे कि आना इबगा फिलफिल, आना इबगा फिलफिल, मुझे मिर्ची चाहिए। तो इस तरीके से आप अरबी बोल सकते हो, बहुत आसान है। चलिए मैं इसी वीडियो में आपको सब्जियों के कुछ नाम बता देता हूँ कि आपको बात करने में आसानी होगी। अगर आप सब्ज़ी की दुकान में जाते हो तो आपके लिए बात करना आसान हो जाएगा। तैन, तैन का मतलब होता है कदीमा, तैन, तैन का मतलब होता है कदीमा। करनाबीत, करनाबीत का मतलब गोभी। बतातस, बतातस का मतलब आलू। कुमिसरा, कुमिसरा का मतलब कद्दू। तूत, तूत का मतलब बेरी। टमाटो, टमाटो का मतलब टमाटर। खियार, खियार का मतलब खीरा, खियार, खियार का मतलब खीरा। जजर, जजर का मतलब गाजर, जजर, जजर का मतलब गाजर। कुरनब, कुरनब का मतलब बंद गोभी, कुरनब, कुरनब का मतलब बंद गोभी। बजन जान, बजन जान का मतलब बैगन, बजन जान, बजन जान का मतलब बैगन। सुम, सुम का मतलब लहसुन, सुम, सुम का मतलब लहसुन। बसल, बसल का मतलब प्याज, बसल, बसल का मतलब प्याज। सुख, सुख का मतलब बाजार, सुख, सुख का मतलब बाजार। गाज, गाज का मतलब गैस, गाज, गाज का मतलब गैस।
सलता खुदरा मिक्स सलाद, सलता खुदरा मिक्स सलाद, सलता फुतूस खाने वाला सलाद, खाने वाला सलाद। आप किसी होटल में जाते हो तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि सलता खुदरा मिक्स सलाद, अना इब्गा सलता खुदरा, मुझे मिक्स सलाद चाहिए। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से किसी दुकानदार से बात कर सकते हो, तो बस इसी में से वर्ड उठा करके, जैसे आपको खीरा लेना है तो आप इस तरीके से अब बात कर सकते हो, कोई भी वर्ड को उठा लोगे यहाँ से वहाँ ऐड कर दोगे, आना इबगा आना इबगा आना इबगा, जैसे आना इबगा तैन, आना इबगा करना बीत, आना इबगा बताता, आना इबगा कुम मिसरा, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।